नमस्कार। प्रस्तुत है 2019 के वर्ग 8 के विज्ञान विषय का हल प्रश्न पत्र। 2019 में विज्ञान विषय में 20 प्रश्न थे और पूर्णांक था 20। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोडियम। सोडियम को हम लोग, इतना मुलायम होता है कि चाकू से भी काटा जा सकता है। साथ ही साथ यह काफी अभिक्रियाशील भी होता है, जिसके कारण इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। हम लोग जानते हैं कि रबड़ जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इस रबड़ से होकर बिजली मिस्त्री के हाथों में विद्युत की धारा नहीं पहुंचती है और इसलिए उसको झटका नहीं लगता है। अब एक बहुत ही आसान प्रश्न है, पतरातू घाटी किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है, ये सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो ये है गिलोय। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं रिक्तिका, और जो पादप कोशिका होता है उसमें रिक्तिका काफी बड़े साइज का होता है। प्रश्न संख्या 7, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो यह धातु है क्रोमियम। निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? दहनशील कहने का यह अर्थ है कि जिसमें आग नहीं लगाया जा सकता है, जिसको जलाया नहीं जा सकता है। तो यह है पत्थर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो सदैव ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ पर चलने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण आप फिसल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि घर्षण कई बार लाभदायक होता है और कई बार हानिकारक भी होता है। तो हम लोग आसानी से चल सकते हैं सामान्य रोड पर, इसलिए क्योंकि वहां घर्षण थोड़ा होता है, लेकिन बर्फ पर बिल्कुल घर्षण नहीं होता है, बिल्कुल मतलब बहुत कम होता है ना, बहुत कम घर्षण होता है। तो इसके कारण वहां फिसलने का चांस ज्यादा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? हम लोग जानते हैं रेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक रेशा उसे कहते हैं जो प्रकृति से मिलता है, और मानव निर्मित रेशा उसे कहते हैं जो जिसे मानव निर्मित करता है, उसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। तो यहां जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें रेशम ऐसा है जो प्राकृतिक रेशा है और ये रेशम के कीटों से
प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 12, आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रश्न संख्या 14, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? आप सभी के घरों में होता है यूज एलपीजी। प्रश्न संख्या 15, डेंगू परजीवी का वाहक है, तो यह है मादा एडीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ना, यह मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, इसमें कई गैसें हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जो लगभग 78% होता है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहां पर देखिए, एक दो शब्द स्क्रीन से बाहर हो रहा है, इसलिए मैं इसे फिर से पढ़ दे रहा हूं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत लेपन। प्रश्न संख्या 3 है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के फसल होते हैं, जो बारिश के मौसम में होता है खरीफ फसल लगाया जाता है, फिर ये अक्टूबर नवंबर के आसपास रबी फसल लगता है, ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल लगाया जाता है जिसमें ज्यादातर सब्जियां होती हैं। प्रश्न संख्या 19, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, इसे क्यों लगाया जाता है? तो ये जो लाइटनिंग होती है, विद्युत का जो बिजली गिरना कहते हैं, उसे रोकने के लिए, यह है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। प्रश्न संख्या 20, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, वो है सीएनजी, जिसे कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये थे वर्ग 8 के 2019 के बोर्ड के विज्ञान के प्रश्न पत्र। धन्यवाद।